तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का ब्लॉग हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे कोई लोकेशन से हम शुरू कर रहे हैं अपना ब्लॉग आज का, आप देख सकते हैं। तो अभी ये रही अपनी बाइक। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, तो अभी शाम को प्लान बना कि मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए। तो घर पे ऐसे भी बोर ही हो रहे थे और भाई मन भी लग रहा था, पता नहीं क्या ही हो गया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा घुमाते हैं कहीं। तो अभी मतलब शाम के हो गए 6:30, तो आपका भाई निकल रहा है चंडीगढ़ के लिए। फिलहाल तो मैं नौनी वाले पुल पे जो नया बना है 4 लाइन का, तो अब सामने से जाएंगे हम, जो नया वाला 4 लाइन बन रहा है ना वहाँ से। अब पता नहीं खुला है रास्ता कि नहीं। और ये देख लो आप, बाइक को भी हमने बढ़िया फुल करा दिया है, टायर टूर की हवा चेक करा के सब कुछ ऑल सेट है। और अपना नए वाला बैग लेके जा रहे हैं आज हम। तो बस किसी ने मिलना हो तो भाई मिल सकते हैं अभी रास्ते में, लेकिन तब को तो मैं पहुंच जाऊंगा। अगर कोई चंडीगढ़ से होगा ना भाई, देख हमारा ब्लॉग देखता होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए रुकूंगा वहाँ पे, तो साथ में राइड वगैरह कर लेंगे। तो अगर है कोई तो कमेंट में बताना, या फिर अकेले घूमेंगे और तो क्या कर सकते हैं। अगर होगा कोई तो बता देना, तो साथ में राइड वगैरह प्लान कर लेंगे बढ़िया सी, और नई नई लोकेशन पे जाएंगे। और देख लो भाई शाम क्या, देख लो आप क्या सही व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो पानी वगैरह तो बिल्कुल कम हो गया, पहले तो पूरा भरा रहता है। और देख लो लोग भाई यहाँ पे शाम को घूमने के लिए आते हैं। ये देख लो कोई बसें रुकी हैं, कोई गाड़ी। तो अब हम भी चलते हैं आगे, क्योंकि लेट हो गए हैं, वैसे भी रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। तो आपको मैं सीधा मिलता हूँ बाइक पे ही अब। तो गाइस यहाँ से तो निकल गए हम, तो देखते हैं कि नए वाला 4 लाइन खुला भी होगा कि नहीं। और शाम का भाई, शाम को जो राइड करने का मजा है ना तगड़े वाले। और भाई खतरनाक ही गर्मी हो गई है, क्योंकि गर्मी हवा चल रही है आगे से भी, क्योंकि आजकल आपको बताया गर्मी का माहौल हो गया है। बाकी देखते हैं रास्ता कहाँ तक होगा खुला। तो यहाँ से लेना हमने राइट चंडीगढ़ के लिए। तो ये देख लो भाई नए रास्ते का फील। तो जब हम पहले आए थे वीडियो बनाने, तब तो ये सब कुछ टूटा हुआ था यहाँ पे, रास्ता कच्चा रास्ता था बिल्कुल इस पुल पे भी। तो यहाँ पे फाइनली हो चुका है पक्का। तो यहाँ से अब पता नहीं कहाँ तक खुला होगा ये रास्ता, क्योंकि अब मुझे पता भी नहीं है। टनल वगैरह खुली हुई है अगर, तब तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी आगे वाली तो शायद ही होंगी, क्योंकि जब मैंने पहले दिखाया था तो उसके आगे तो रास्ता ही नहीं था भाई बना हुआ। अब पता नहीं बन गया होगा अगर, क्योंकि वो है शायद आई थिंक 1-1.5 महीने पहले की बात है वो। तो देखते हैं किस हिसाब से कहाँ तक होगा रास्ता, कहाँ से बोल देंगे कि भाई यहाँ से निकलो ऊपर। क्योंकि पहले तो मैं जब गया था तो भाई यहाँ से था ये वाला रास्ता, जो ये वाला कच्चा रास्ता है, तो यहाँ से गया था मैं ऊपर को मेन रोड पे, लेकिन अभी तो खुला ही है। और भाई सामने सनसेट देख लो आप, क्या प्यारा लग रहा है भाई देखने को, खतरनाक ही मस्त आ रहा है। तो मतलब कि जल्द ही अंधेरा होने वाला है गाइस। और इतने टाइम के बाद जो मीटर देखने को मिलता है ना भाई, क्योंकि ये इतने टाइम से 0 दिखता था। ओ भाई साहब ये क्या देख रहा हूँ मैं सामने, खतरनाक वाली पेंटिंग होगी है भाई साहब, मस्त लग रहा है यहाँ पे। तो पहले तो ऐसे ही था नॉर्मल, आई लव महादेव भाई साहब, मस्त लग रहा है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना देखो क्या सही लग रहा है। ये देख लो भाई नंदी भगवान जी भी, भोलेनाथ जी भी, और महादेव जी, शिवलिंग, सब कुछ बनाया गया है भाई यहाँ पे। हैंड्स ऑफ है भाई जिसने बनाया होगा। और आप देख रहे होंगे कि ग्लव्स फटे हैं, जब मैं गिरा था तब भाई फट गए थे ग्लव्स, तो अभी हम नए लेंगे चंडीगढ़ में जाके। ओ भाई साहब क्या मजा आ रहा है टनल के अंदर, खतरनाक। यहाँ की तो खुल गई है टनल, बाकी अपने साइड की भी खुल जाएंगी। तो ये एक और पुल आ जाता है आपको एक टनल के बाद। और यहाँ पे तो पानी भी खतरनाक भरा है पूरा, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, कितना मनमोहक व्यू है वो वाली रील बनेगी इस पे तो यहाँ से घुस गया हम भाई साहब कहीं लिंक रास्ते में, तो भी यहाँ से भी 2 रास्ते हैं भाई स्वर घाट के लिए यहाँ से। यहाँ से मेन रोड की नदूर है, हाँ जी, यहाँ से कितना दूर होगा बस मेन रोड पे ना, कहाँ जैसे निकलेगा है? अच्छा, जो ये वाला रास्ता ये निकला है अभी,
तो ये कब तक खोलेंगे केसीएम? तो गाइस फिलहाल मैं पहुंचने वाला हूं कीर्तपुर। तो वो वाला रास्ता मैंने कर दिया था पूरा, मेरे को लगा वहां से आप रख लो 7 या 8 किलोमीटर, 8 नहीं 9 किलोमीटर था जो मेन रोड था वहां से, 4 लाइन से जो हमने कट लिया ना गांव-गांव से, वो था 8 या 9 किलोमीटर। लेकिन भाई रास्ता ना क्या प्यारा रास्ता था भाई, जंगल जंगल का और बिल्कुल पक्का रास्ता था, टूटा कहीं से भी नहीं था। और फिलहाल मैं पहुंचने वाला हूँ कीर्तपुर के लिए। बस कीर्तपुर मुझे बताया आई थिंक 2 किलोमीटर बस, ये आगे वाला मोड़ है सामने और कीर्तपुर हम पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे देखते हैं, पहली ब्रेक वहाँ पे ले लेंगे, अगर हमारा फेवरेट जो कुलचे वाले अगर वहीं होंगे अंकल तो उनके पास रुकेंगे खाने के लिए। लेकिन वैसे आज हम लेट हो गए हैं, क्या पता होंगे या नहीं, 50-50 चांसेस है। तो ये हमारा पहला ब्रेक, तो यहाँ पे कुलचे वगैरह खाते हैं। तो ये आ गया गाइस अपना कुलचा, तो इसको एंजॉय करते हैं। और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं सामने, तो यहाँ से हमें 1.5 घंटा लगेगा बस, तो और पहुँच जाएंगे हम चंडीगढ़। तो इसको एंजॉय करते हैं फटाफट, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस कुलचे वगैरह मैंने खा लिए और यहाँ से निकल रहे हैं आप भाई, यहाँ से हमें बताया 71 किलोमीटर चंडीगढ़। और आप लोग भी खा सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं अंकल, और है भी सिर्फ 10 रुपए की है। आप सोच लो ऐसी महंगाई में 10 रुपए का कुलचा कौन ही देता है भाई साहब। और यहाँ पे साथ में ट्रेन की पटड़ी भी है यहाँ पे, तो पहले हम ट्रेन से जाते थे, जो मेरे नानी के घर है ना यमुनानगर में, तो पहले हम ट्रेन से जाते थे, तो भाई क्या मजा आता था। और पेड़ भी अब बड़े कर दिए उन्होंने, तो सही हो गया कि परे वाली लाइट यहाँ को नहीं आती, नहीं तो भाई दिखता ही कुछ नहीं। अगर परे वाली लाइट भी यहाँ को आती है ना तो दिखता ही कुछ नहीं है। तो ऐसे बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको, अभी पहले फटाफट से कवर कर लेते हैं थोड़ा सा रास्ता, बीच बीच में मिलते हैं आपको। तो देख लो यहाँ जैसे एरिया भाई क्या सही कर दिया इन्होंने, कोई कैफे खुल गए हैं, कोई कुछ मॉल वगैरह, ये देखो भाई क्या सही कर दिया है यहाँ पे, रात के लिए बढ़िया है घूमने के लिए। और यौन वाले भैया जी ये देखो यहाँ जैसे भाई साहब सारे ब्रांड मिल जाएंगे आपको, टोटल ब्रांड है इसमें, मैक्सिमम ब्रांड्स है। और देख लो स्टारबक्स KFC सब कुछ ही खुल गया है भाई यहाँ पे, तो इन्होंने बढ़िया कर दिया है खरड़ भाई साहब। यहाँ पे क्या तगड़ा जाम लगा है परे वाली साइड। तो यहाँ से हमने जाना है फ्लाई ओवर से नीचे, जो सीधा सीधा गए तो चंडीगढ़ के लिए है, तो हमने जाना है एयरपोर्ट वाले रोड पे। तो यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट, आज पता नहीं कैसे खाली है भाई ये यहाँ, नहीं तो इतना लंबा लंबा जाम लगता है ना। लेकिन अभी फिलहाल तो खाली है वाला रास्ता, ये देख लो भाई साहब गाड़ी क्या सही लग रही है। और ये गाड़ी पता कहाँ से चल रही है मेरे साथ, कीर्तपुर के साथ, कीर्तपुर में दिखी थी मेरे को, उससे भी पीछे ही दिख गई थी वैसे तो, कैंची मोड़ के बाद। तो और देख लो भाई अलॉय क्या सही लग रहे हैं, लाइटें वगैरह लगी हैं इनमें, और बिल्कुल सही मस्त आ रही है भाई लुक। और देख लो ज़्यादा मॉडिफाई भी नहीं किया है, बस टायर वगैरह डलाएँ और लाइटें वगैरह और बस, बाकी नॉर्मल थी सुर, लेकिन भाई साहब क्या मस्त लग रही थी। तो ये आ गया हम एयरपोर्ट रोड पे, लोग आए देख, और चौक पे आ गई है रेड लाइट, यहाँ पे ऐसा ही है बस, रेड लाइट बस। तो गाइस ये है वो वाले कर्व, तो भाई क्या सही आता है इसमें पीले, देखो लीन करने का ना भाई खतरनाक मजा आता है इस वाले पे। 2-3 है ये देखो, ये है लास्ट है, ओ भाई साहब कहाँ चले हो बीच में। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हम अपनी लोकेशन पे जहाँ हमने जाना था, तो अब आपको सीधा मिलता हूँ मैं रूम में ही। तो बस यहाँ से थोड़ा सा बचा अंदर वाली गली में है रूम, तो बस वहीं जाके मिलता हूँ आपको फ्रेश फ्रूश होके। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।